Fujiti. मंत्री के संग आज तक दोनों में समझे लेसी का भतीजा है अठिया। इसके पीछे किसकी साजिश है? लेसी सिंह का कौन? मंत्री जी का साजिश है। मंत्री सीधा लेसी को मंत्री का लेसी सिंह का साजिश है। न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि पूर्णिया। जिला परिषद रिंटू सिंह हत्या मामले में अब बड़ा खुलासा हो चुका है। बता दें कि बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह का नाम सामने आया है, जिसके बाद से अब विपक्ष की तरफ से भी हमले शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि परिवार वालों की तरफ से हत्या की आशंका पहले ही जताई गई थी, पुलिस में शिकायत करवाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और बीते रात रिंटू सिंह की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस सबके बीच परिवार वालों की तरफ से अब लेसी सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह के भतीजे पर हत्या करने का आरोप लगा है, जिसके बाद अब विपक्ष की पार्टी भी खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए बताया है कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार के प्रशासन काम करते हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, नव निर्वाचित जिला परिषद ने बिहार पुलिस अर्थात जेडीयू पुलिस सह कार्यकर्ताओं को लिखित शिकायत की थी कि जेडीयू की बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह का भतीजा उनकी हत्या करवा सकता है, लेकिन जेडीयू पुलिस अपना कार्यकर्ता वाला फर्ज निभाने में तत्पर रही और उसकी हत्या हो गई। तो बता दें कि ये जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह के ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बाद से सवाल उठने लाजमी है। इतना ही नहीं, परिवार वालों ने खुलकर अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से पूर्णिया में इससे पहले भी कई सारी हत्याएं लेसी सिंह की तरफ से करवाई गई है। आपको बताएं कि रिंटू सिंह के परिजन जो है वो सामने आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा खेल जो है वो खेला गया। इससे पहले भी कई बार हत्या की धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद आशीष जो कि लेसी सिंह के भतीजे हैं उनकी तरफ से जो है हत्या कर दी जाती है, ये आरोप परिजन की तरफ से लगाया जा रहा है। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए बड़ा हमला सीएम नीतीश कुमार पर बोला है कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की प्रशासन काम करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये आरोप लगाते हुए बताया कि किस तरह से कंट्रोल में रखकर प्रशासन से काम किया जाता है और कार्रवाई के नाम पर जो है इस तरह से लोगों की हत्या कर दी जाती है। यानी कि पूर्णिया जिला परिषद में रिंटू सिंह हत्या मामले को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद से बिहार की विपक्ष पार्टी अब खुलकर जो है बोलती हुई नजर आ रही है। सीधे आरोप सीएम नीतीश कुमार पर, सीधा आरोप जो है बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद से अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन जो है इतनी गैर जिम्मेदार किस तरह से हो सकती है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है और बताया है कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में जो है चूक करती है और कंट्रोल में रखकर प्रशासन से काम करवाया जाता है, और जिसका नतीजा है कि इस तरह से पूर्णिया जिले में ये हत्या हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।